उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में कांग्रेस की बड़ी नेता अब पहली बार अपनी राजनीतिक सियासत जो है वो शुरू करने जा रही है। लखनऊ में एक बड़ा रोड शो करने जा रही है, उसमें आपको बता दो कि मंच पर जिस तरीके से जो रोड शो का जो रथ बनाया गया है, रथ पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही है, वो साफ जाहिर होता है कि प्रियंका गांधी जो है वो अपने इस रोड शो से कितना प्रसन्न है, कितना उत्साहित है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी नेताओं का जो एक भीड़ है उसको देखकर मैं आपको बता दूं, उनके प्रियंका गांधी के जो रथ बना है उसके ठीक पीछे आरपीएन सिंह है और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जो है सांसद रहे वो पीएल पुनिया साहब है और ठीक राहुल गांधी जो है उनके ठीक सामने है। तो राहुल गांधी एक संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब कांग्रेस चौथी नंबर की पार्टी मानी जा रही थी उसको जो है पहले नंबर पर लाने की जिम्मेदारी जो है वो अब प्रियंका गांधी पर दे दी गई है। प्रियंका गांधी को किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को किस तरीके से नंबर वन बनाना है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बड़ी चुनौती के साथ जो है प्रियंका गांधी अपनी जो है सियासी राजनीति जो है वो स्टार्ट करने जा रही है, तो ये एक संदेश जरूर देना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है रथ। अब मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा जो है ये पीएल पुनिया साहब जो है, पीएल पुनिया साहब को छत्तीसगढ़ की जो है कमान दी गई थी और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी को उखाड़ फेंका उसमें एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका पीएल पुनिया साहब की भी थी, और ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से जो है एक संदेश देना चाहते हैं। आपको दिखा दूं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं की यहाँ पर भारी भरकम भीड़ है और जिस तरीके से उत्साह देखना चाहता है, आज हिंदुस्तान का सारा मीडिया जो है, बड़ा बड़ा मीडिया जो है वो आज जो है प्रियंका गांधी का रोड शो जो है कवर करने आया है। एक संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से अब जो है 19 का चुनाव मोदी के लिए एक बहुत बड़ी महा चुनौती के रूप में प्रियंका गांधी उनके सामने नजर आएंगे और आसान नहीं होगा भाजपा के लिए। उत्तर प्रदेश में 2014 में जो 73 सीटें जीती थी अब उनको दोहरा पाना आसान नहीं होगा। प्रियंका गांधी एक चुनौती पेश करने जा रहे हैं, आज से तय होगा कि उत्तर प्रदेश में मोदी के लिए कितनी बड़ी चुनौती के रूप में प्रियंका गांधी नजर आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से जो है वो रोड शो के जो रथ तैयार हुआ है उस पर जिस तरीके से मुस्कुरा रही है और आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कि प्रियंका गांधी किस तरीके कैसे वो कार्यकर्ताओं का अभिवादन जो है स्वीकार कर रही हैं, साथ में राहुल गांधी हैं और बाराबंकी के सांसद पीएल पुनिया जी हैं और जो है शुक्ला जी हैं और भी कई बड़े नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी हैं साथ में। तो एक बड़ी चुनौती के रूप में जो है अब मोदी के सामने प्रियंका गांधी अपने आप को पेश करने जा रही हैं। कैमरामैन विशाल के साथ मैं राम बाबू, की इंडिया लाइव लखनऊ से।